नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका और आज हम बात करेंगे आज की वेब सीरीज आश्रम जो आज ही रिलीज हुई है एमएक्स प्लेयर पे। चलिए आश्रम पे जाने से पहले हम कुछ प्रकाश झा की पुरानी फिल्मों पे रोशनी डालते हैं। उनकी फिल्म थी राजनीति, फिर जो वो लोग प्रकाश झा जिस तरह से राजनीति, आरक्षण व पॉलिटिक्स के नए नए मुद्दों को सामने लाते हैं, है ना। राजनीति में जो करप्शन था वो दिखाया था, आरक्षण में जो तब वो साइड में था, और अभी बात करेंगे आश्रम में। तो आश्रम कहानी है बाबा जी की सदा ही जय हो यानी कि जो पिक्चराइज्ड है बॉबी देओल पे, जो पिक्चराइज्ड है बॉबी देओल पे, एंड जपना जो पिक्चराइज्ड है बॉबी देओल पे, अच्छा ये जो पिक्चराइज्ड है बॉबी देओल पे, जपना। हाँ, आश्रम जो कहानी है वो है बॉबी देओल की, एक बाबा जी की कहानी है जो लोगों को जपनाम करती करती किस तरह से ड्रग्स के घेरे में डाल देता है। अभी उसमें एक कहानी लड़की होती है पम्मी, तो ये करती करती उसके लाइक जो फैमिली में किसी को एक्सीडेंट ये हो जाता है, बट क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट होते हैं डॉक्टर्स लोग उसके वो भर्ती नहीं कर रहे होते। तब बाबा जी आते बोलते कि इसको भर्ती करो। तो उसको जैसे उनको भर्ती करते तो ये लोग बाबा जी के आश्रम में आ जाते हैं। अब ये आश्रम में क्या क्या होता है वही कहानी है, एंड इट्स लाइक फुल ऑफ कॉमेडी। और बाकी तो एक एक करके कैरेक्टर्स ढूंढते हैं, और प्रकाश झा ने जो आपको आश्रम में जो असलियत में क्या होता है वो दिखाएगा, और बाकी तो फिर जपना बॉबी पाद। सो एंड हाँ, बॉबी ने 2020 में आफ्टर 2020 में बॉबी देओल ने जो ये जपनाम से कम बैक किया, सो वो एक बहुत बहुत ही अप्रिशिएटेड है, तारीफ के काबिल है, इट्स अप्रिशिएटेड। एंड बॉबी देओल एज एक्टर लाइक वो बाबा जी के रोल में काफ़ी सूट भी कर रहे हैं। सो और बाकी तो उसमें फिर जो किस तरह से वो नेता को जिताते हैं, फिर पॉलिटिक्स, ये नेता को पकड़ के बाबा जी ये इसको पकड़े अकॉर्डिंगली। हाँ, सो बाकी आपको आश्रम में ज़रूर जाना चाहिए। ये है एमएक्स प्लेयर में जाओ, टाइगर सुंदेशा क्यों हिंदू धर्म को बदनाम करने की तुलना हिम्मत, ये हिंदू धर्म नहीं है। हाय टाइगर, ये हिंदू धर्म नहीं है जो आश्रम में दिखाया है। बाबा आसाराम, हाँ ये ढोंगी बाबा की कहानी है ये लोग। और हाँ, एपिसोड नंबर 4 में रिवील किया बॉबी देओल अपना ये कुर्ता ऐसे कर रहा होता है, तो उसका दोस्त बोलते ये मोंटी, तो अपने आप अंदर की मोंटी को मैं जगाते हो बाबा जी है। सो जो बॉबी देओल का नाम होता है मोंटी होता है, तो ये इसमें ये दिखाया है कि ये लोग बाबा जी के अवतार में बैठ के जो आसाराम बापू वो भी वो नहीं है, हाँ खाली वो गेटअप करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सो ये दिखाया कि जो ढोंगी बाबा इनके उसमें नहीं आना चाहिए। थैंक यू योर राइजिंग स्टार, थैंक यू, बस मेहनत करते रहो। तो मौलाना को भी बताओ, हाँ तो उसी को बताया है, उसमें कोई हिंदू धर्म नहीं है टाइगर। आप आश्रम देखो आश्रम में कोई धर्म वर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है उसमें। जो बाबा जी का कोई ये नहीं होता, एक आदमी है उसने खाली दाढ़ी मुझ बढ़ा ली और मुझे बाबा का ढोंगी पहन लिया, और उसके बाद ऐसे से करे लोग अंत भक्तों की तरह फॉलो करते, तो वो दिखाया उसमें। सो जिस जो अंधविश्वास करते, अभी जैसे सपोज मैंने
ओके मैंने ऐसे कर लिया और अपना वो गेटअप डाल लिया एंड और पीछे इतना बड़ा बोर्ड लगा लिया बाबा प्रियंका वट एवर। सो लोग अपने आप उसमें फॉलोअर्स वो बन जाएंगे। सो ये वो है आश्रम बापू भी क्यों होता है, ये लोग अपनी तरह से अपनी इसमें दिखाया था ना ओ माय गॉड में, तो उसमें वो बोलते कि फिर से मिर्ची बेचना पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते बोले अभी तो मिर्ची बेचने की भी नौबत नहीं आएगी, अभी वो भी नहीं बेच सकते। सो अकॉर्डिंगली ये आश्रम एक सच्ची कहानी है जो काफ़ी अच्छी तरह से है। हिंदू धर्म तो आप बाबा क्यों मौलाना क्यों नहीं लगते, नहीं इसमें कोई वो नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये अंधविश्वास का धर्म है, इसमें ना कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। सो दैट इज अंधविश्वास का धर्म एंड बॉबी डियोल वन से बाबा जी की सदा ही जय। जपना। सो अगर आपने आश्रम नहीं देखी है तो प्लीज आश्रम देखिए एंड ये बाबा जी का आशीर्वाद ले लीजिए, है ना। तो जपना।